शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। रोहनजना, हमें इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है उसी के मुंह से हमारे लिए अज्ञानता व श्राप निकला। इससे तो अच्छा यही होता कि ये सत्य हमें पता ही नहीं चलता। मौसी, निराश होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, आपके श्राप का निवारण भी होगा। आप आइए मेरे साथ। मैं आज दो माताओं के बीच में खड़ा हूँ गुरुदेव। मेरी माताओं की आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू मेरी वेदना को बढ़ा रहा है। अब आपको ही श्राप के मोचन का उपाय करना ही होगा। मारुति, यदि ये मेरे वश में होता तो मैं इस श्राप का मोचन कर चुका होता। आपको विनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु ये ऐसा श्राप है जिसे मैं मिटा नहीं सकता। आप तो जानते हैं इस श्राप का निवारण करना मेरे वश में नहीं है। एक मन की आह से निकला हुआ श्राप जिसमें आदि शक्ति का अंश होता है, और ऐसे में जब उस दुखी मां के मुख से हाय निकलती है तो वो स्वयं आदि शक्ति का श्राप बन जाता है। मैं उस श्राप को मिटा नहीं सकता। क्षमा कीजिएगा। ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, न जाने अब क्या होगा। अंजन प्रदेश में सब यही आशा लिए हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि हम कोई सुखद समाचार लेकर आएंगे। सोच रही हो? चलने की तैयारी हो गई है। चलो, सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मारुति, कैसे जाऊं मैं वहां? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? किस विश्वास से तारा को यहां ले आई थी मैं? क्या कहूंगी मैं सबसे? माँ, तुमने तो अपना पूरा प्रयास किया ही है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो? किंतु सब तो मुझे ही दोषी समझेंगे मारुति। नहीं माँ, तुमने तो अपने धर्म का पालन किया है। माँ, ऐसे समय में
मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। इसे लो। तो ये क्या कर रही हैं आप, बताइए ना, क्या करने वाली हैं आप? जैसा कहती हूं वैसा करो। लो। आपने क्या किया माते? रक्त, रक्त चाहिए था मुझे तुम्हारा, रक्त। अब इन रक्त सने हाथ से इस अक्षत को सान लो और इसे रक्त वर्ण कर दो। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगी, तुम इन अक्षतों को पात्र में छिड़कना आरंभ कर। ओ Oh!
आते। माते ये सब क्या है? रावण, ये मायावी रावण तुम्हारा ही प्रतिरूप। तुम्हारे जैसे शक्ति इसमें भले ही न हो, परंतु इसे जो भी देखेगा वो तुम में और इसमें कोई अंतर नहीं कर पाएगा। रावण, रावण है हम। महाराज केसरी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको महारानी अंजना जैसी सहृदय पत्नी मिली, जिन्होंने हमारे दुख के बारे में इतना सोचा कि स्वयं ही तारा को लेके महर्षि मदन के आश्रम में गई हैं। महाराज बाली, सहृदयता नारी का आभूषण होता है। नारी देह से ही नहीं मन से भी कोमल होती है। अब अपनी तारा भाभी को ही देख लीजिए, मारुति को देखते ही वो अपनी सारी ममता उड़ेल देती है। केसरी जी, मारुति है ही ऐसा कि शत्रु भी अगर उसे देखे तो उसके अंदर प्रेम आ जाए। ये सब ईश्वर की कृपा है महाराज बाली। केसरी जी, आपको क्या लगता है कि ये मतंग ऋषि तारा को श्राप से मुक्ति का उपाय बता पाएगा? अवश्य महाराज बाली, वो एक महातपस्वी ऋषि हैं और अंजना आदि के आने का समय भी हो गया है, आप स्वयं जान लीजिएगा। अरे देखिए, हम इन्हीं के आने की बात कर रहे थे और ये आ गए। अरे पुत्र मारुति, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। महाराज बाली, तारा भाभी अंजना और जामवंजी नहीं दिखाई दे रहे हैं? लो आ गए। अंजना, क्या हुआ? कुछ उदास दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं हुआ महाराज केसरी, वो बस थोड़ी सी थकान हो गई होगी अंजना को। हम सभी आप ही की चर्चा कर रहे थे, आप शीघ्र ही बताइए क्या हुआ मतंग ऋषि आश्रम में, क्या बताया उन्हें? अरे सब अच्छा ही रहा, यात्रा भी बहुत आनंद भरी रही और आश्रम में भी सब ठीक ही था। मारुति ने तो वहां बहुत सारे फल खाए, है ना मारुति? स्वामी, हमें बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए और सुग्रीव भैया भी वहाँ परेशान हो रहे होंगे। चलिए स्वामी, अभी हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। अरे तारा, अभी अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर कल जाने की तैयारी कर लेंगे। नहीं स्वामी, हम ठीक हैं, हमें विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है, आप चलिए। हे
अरे हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। मारुति जामवन जी कुछ बताएंगे सबका व्यवहार बदला हुआ क्यों है और अंजना उदास क्यों है क्या हुआ वहां? अब मैं क्या बताऊं केसरी मुझसे कुछ मत पूछो मैं नहीं बता पाऊंगा। केसरी पुत्र अच्छा होगा ये तुम अंजना से ही पूछ लो। अच्छा तुमने ये नहीं बताया कि मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ क्या और तुम्हारे श्राप के बारे में ऋषिवर ने क्या बताया। कुछ विशेष नहीं बस इतना कहा कि सब ठीक है आप चिंता मत कीजिए। किंतु उन्होंने ये तो अवश्य ही बताया होगा कि वो श्राप तुम्हें किसने दिया था। बोलो तारा बोलो। स्वामी हमने चलने की पूरी तैयारी कर ली है आप भी एक बार देख लीजिए आपकी कोई वस्तु छूटी तो नहीं है। तारा पहले मेरी इस बात का उत्तर दो मतंग ऋषि ने क्या कहा कौन है वो हमारा शत्रु जिसने हमें निसंतान होने का श्राप दिया बताओ तारा सत्य क्या है। ये श्राप तुमने दिया है अंजना तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया था। सत्य ये है बताओ अंजना देखो ये मेरी तारा और मेरे जीवन का प्रश्न है ये मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले उस कुल दीपक का प्रश्न है। जिसके लिए मैं ही नहीं हमारी सारी प्रजा आस लगाए बैठी है। बोलो अंजना बोल दो बोलो